उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें ये क्या काम करती हैं और ये क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली लगाई जाती हैं आपके कंप्यूटर में, या इधर मदरबोर्ड होता है या उसमें लगाई जाती हैं, या चार्जर में लगाई जाती हैं, या और किसी चीज़ में इस तरह की इनको चीज़ों तो उसमें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है, इसका नाम है रजिस्टर, ठीक है। तो इसका काम यह है कि ये करंट आगे कम देता है। अगर जितनी ज़्यादा इसमें मेगा ओम होते हैं, केबीज होती हैं, ये यानी कि करंट को आगे कम करता है, ठीक है। तो इसके ये सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं ये कलर हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 1, 2 और 3 ये कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके आगे ये परसेंटेज होती है, तो ये परसेंटेज नहीं कलेक्ट की जाती, ये उसकी अलग परसेंटेज होती है। तो ये आप इस तरह कलेक्ट करेंगे, ये जो इधर से कम हिस्सा होगा इसका, ये आपको नज़र आ रहा है कि कम हिस्सा, ये जो वक्फा है इसका ये कम है, तो इधर से आप स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला कलर जो है इसका कलर कोड जो है ये 3 है, ऑरेंज है तो ऑरेंज का 3 है, और दूसरे का भी 3 है, और तीसरे का वाइट का 9 है, ठीक है। तो ये आप इसको कलेक्ट करके तो आप इसकी एवरेज निकाल सकते हैं कि कितने ओहम की है ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टर कितने ओहम का है, ठीक है। तो इसका फंक्शन भी आपको मैंने बता दिया। इसके नीचे ये जो चीज़ है ये आपको नज़र आ रही है, तो ये चीज़ है डायोड, ठीक है। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, ये डायोड है, और ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, ठीक है। ये प्लस इधर होता है और यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो इसका काम आपको ये कह सकते हैं इसको कि ये इसका काम है करंट को आगे फॉरवर्ड करना और रिवर्स नहीं आने देता। ये जहाँ भी लगाया जाता है ये करंट को रिवर्स नहीं आने देता बल्कि फॉरवर्ड करता है, यानी इससे करंट आराम से गुजर सकता है लेकिन वापस पीछे नहीं आ सकता, ये इसका काम होता है, ठीक है। और इसके नीचे ये ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का काम है आगे दो, यानी कि दो करंट मुख्तलिफ दो करंट करना, ठीक है। तो ये अगर इसके दरमियान वाली तार जो है ना ये नेगेटिव होगी, अगर तो ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगी तो ये आगे करंट को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो इसका ये काम है, इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम आप यूँ कह सकते हैं कि ये अपने अंदर एक थोड़ी सी स्टोरेज रखता है, ठीक है। अगर 12 वोल्ट का होगा तो उसके थोड़ी ज़्यादा होगी, 6 का होगा थोड़ी कम होगी, और 100 का होगा तो उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये अक्सर चार्जरों में लगाया जाता है ताकि आपके चार्जर को कोई नुकसान न हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।